ओके सो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो दार्जिलिंग मोर, एंड यहाँ से ना हम लोग सीधा जाएंगे ज्ञान ज्योति मोर, वहाँ से फिर हम लोग को जाना है सुरेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। और दार्जिलिंग मोर से ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। दार्जिलिंग मोर से आई थिंक 3 किलोमीटर हो जाएगा। लोग अगर पैदल जाना चाहते हो तो पैदल भी जा सकते हो, और दार्जिलिंग मोर पे टोटो वगैरह मिल जाता है। अगर टोटो से जाना चाहते हो तो टोटो भी मिल जाएगा आप लोग को ज्ञान ज्योति मोड़, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, ज्ञान ज्योति मोड़ जाना है, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा आप लोग को। आगे देखते हो बोर्ड लगा हुआ है और इसी रास्ते से जाना है, ठीक है। वहाँ पर देखो गाइस नेशनल हाईवे 55, इसी रास्ते से सीधा जाना है आप लोग को। इससे पहले जिस दिन आए थे ना, पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग ना पैदल जा रहे थे, ठीक है, और आज भी पैदल जाएंगे बिकॉज हमारा एग्ज़ाम टाइम है 11 बजे, तो हमारे पास अभी अवेलेबल टाइम है, ठीक है। टोटो लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पर बैठे रहना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं, ये बेटर है। ओके तो गाइस अभी आ चुके हैं ज्ञान ज्योति मोड़, गाइस देख सकते हो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ज्ञान ज्योति कॉलेज वसुंधरा, सामने देखो ज्ञान ज्योति सेंटर। और यहाँ से आप लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा, सीधा चला जाता है दार्जिलिंग, आप लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं, और सामने देखो देख रहे हो गाइस मेला लगा चुका है, मेला लगा है। अभी ना हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गई, ठीक है, अभी नाश्ता उस्ता करना है, फिर ऐसे हमारा तो टाइमिंग पता है और वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं, अभी नाश्ता उस्ता करते हैं। और सामने गेट और यहाँ पर लगेज काउंटर, आप अगर कोई लगेज वगैरह लाते हो फिर यहाँ पर लगेज काउंटर है, यहाँ पर ला सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम है ना उसके लिए भी भाई लोग यहाँ पर लाइन दे दिए, मेरे पीछे देख सकते हो गाइस बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो सामने देखो सामने फूड काउंटर और यहाँ पर गैस काउंटर, मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। लैब नंबर चेक करना होता है, देखो तो गाइस, और लैब नंबर कैसे चेक करोगे आप लोग को मैं बोल देता हूँ। वैसे बचपन में तो आप लोग स्कूल में एग्जाम दिए हो ना, सेम में से ही होता है चेक करने का, लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल वाला, मतलब जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आई डी, पैन कार्ड, ठीक है। फाइनली गाइस मेरे भाई आ गए गाइस, हाउ आर यू एकदम सर, पार्टी के नेट बहुत है जो कर रहा था, मार पता है सर, पार्टी करते हुए निकले और ये सोच रहा था कि भाई ने कितना लिख रहा है यार, अभी तक नहीं निकल रहा है, पूरा फाड़ डाला मैंने, फाड़ डाला पूरा ये बोलो कि एग्जाम कैसे गया, बहुत बढ़िया बढ़िया ना, चलो यार चलो हो जाएंगे सर, चांस तो मिल जाएगी ना आर्मी बनने का, मिल जाएगी ना जरूर।